हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवी के टिप्स। और मैं हूँ रेखा। दोस्तों, ये मैंने आज ना ये दो नेल पेंट बाय किए हैं, तो आज मैं इसका आपको रिव्यू देने वाली हूँ। और मैंने ये अपनी सिटी के एक मॉल से परचेज किया है इसको। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये नायका पे बहुत इजीली मिल जाएगा। नायका स्टोर पर आपको बहुत इजीली अवेलेबल है ये। और इसका मैं प्राइस आपको बता दूँ, ओनली 90 रुपीज ईच, सिर्फ आपको 90 रुपीज़ का है ये, तो बहुत महंगा नहीं है। और इसकी जो खासियत है, अगर क्वालिटी की बात करूँ, तो इतनी अच्छी, इतनी फाइन क्वालिटी है इसकी कि एक तो एक ही कोड में अप्लाई हो जाता है, आपको सेकंड कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है, इतना जल्दी मतलब बहुत, अगर आप लगा रहे हो लगाते ही लगाते आपका इतनी जल्दी ड्राई हो जाता है कि आपको वो घंटों ऐसे फूंक मार के नहीं बैठना होता कि यार हाय मेरा नेल पेंट छूट जाएगा या अभी मैं कुछ कर नहीं सकती। बहुत अच्छा है इस मामले में। तो अगर आप 40-50 रुपए के भी अगर नेल पेंट खरीदते हैं ना, तो उसमें भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। और 40-50 रुपए भी कोई बहुत मतलब कम नहीं होते हैं, और 90 रुपीज के हिसाब से, तो क्वालिटी और ब्रांड के हिसाब से मैं बताऊँ, अगर ब्रांड में जाना चाहते हैं तो 90 रुपीज बहुत ही रिजनेबल है गाइस। और मैं कहूंगी कि आप इसे ज़रूर खरीदें। तो इसका जो मैं आपको बता दूं, इसका जो ब्रश है मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही इजीली अप्लाई होने वाला है। आप देख रहे हैं कि इसका जो ब्रश है वो कुछ इस तरीके का है, जो कि मुझे एप्लीकेशन करने में बहुत ईजी लगा है, बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल फैलता नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरीके का है, और कलर तो आप देख ही रहे हैं, माई गॉड इतने अच्छे कलर मैं बता दूँ, इतने सारे शेड थे, मैं चूज ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। बट फिर भी मुझे ट्राई करना था, तो मैं सारे तो नहीं ले सकती थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ले रही थी इसको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मीनेशो ब्रांड, एंड जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे उसमें बड़ा मजा आया। एंड देखिए आप, मेरे नेल्स में अभी भी ये नेल पेंट लगा हुआ है। एंड मैं आपको बता दूं कि इसका जो कलर है ना, ये इसमें नंबर भी लिखे होते हैं, तो मैट वॉयलेट है ये 32 नंबर का, एंड थोड़ा सा ग्रेश है, ये ग्रे टाइप का है। और ये नेक्स्ट है ये पर्ल पीच है 14 नंबर। तो दोनों ही कलर बड़े खूबसूरत से हैं, एंड मैं तो जैसे कि मैंने बताया मैं ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैंने दो शेड चूज किए। तो अभी तो हाल फिलहाल मैं दो ही लेकर आई हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके आगे के जो शेड हैं जो मुझे पसंद है, वो भी मैं इसमें बाय करूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देखा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे भी बहुत कुछ देखने के लिए है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। तो प्लीज़ आप आगे मेरे साथ बने रहिए और मेरे इस नेल पेंट वाले वीडियो को इंजॉय करते रहिए।